तो मेहर आगे चलते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में. सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज अ ग्लोबल वॉर. इट वॉज अंडरगॉन बाय 1939 एंड एंडेड इन 1945. इट इन्वॉल्व अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ वर्ल्ड नेशंस. डॉली क्या खा रही हो? जाओ तू क्यों. Many important cities were ruined in the bombardment as highly destructive weapons like atom bombs were used. फूट गया, बम फूट गया. डॉली, वो च्युइंगम थूक क्या हो? नहीं तो क्या? क्या करोगे आप? मारोगे मैंने? हाथ तो लगा के दिखाओ मुझे. डॉली, अपना मुंह संभाल के बात कर. पापा कितने मन से पढ़ा रहे हैं. ओए, तू ज्यादा टीचर मत बन. बहुत बोर है यार ये. मरे हुए लोगों की हिस्ट्री में सीखने लायक क्या है बताओ. तुझे पढ़ना है, सीखना है, पूरा दिन बैठ के सीखना, वो भी मेरे पापा के पैसों पर. इसके सामने अगर चुप बैठे रहेंगे तो ये ऐसे ही तकलीफ देती रहेगी. इसको भी दिखाना होगा कि हम उसे तकलीफ दे सकते हैं, वरना ये लाइन पे नहीं आएगी. जूनी, तू ठीक है ना? हाँ, बहुत घबरा गया था मैं. अच्छा हुआ अमन भाभी ने मुझे फोन कर दिया. ओए, तूने कर दी ना फिर से चापलूसी. वैसे हुआ क्या था? बहू, ये गीजर तुमने ऑन किया? क्या हमारे घर में दो बार नहाने की प्रथा है? नहीं जी. अब बहू कहीं ऐसा तो नहीं कि तू आज दो बार नहाई हो? नहीं राजवीर, गीजर मैंने नहीं चलाया. मैं तो किचन में गैस बंद करने गई थी. नहीं तो ठीक है, ठीक. माता रानी का शुक्र है तुझे कुछ नहीं हुआ. ओ पुत्र जी, भाई तेरी वट्टी को तो हमने ना फूलों की तरह रखा है इस घर में. सारे के सारे बड़ी फिक्र करते हैं इसकी, पूछ ले तो करते कि नहीं. भाई आखिर ये हमारे खानदान की हुकुम की रानी है. तूने तो इसके लिए हमारे खिलाफ जाके शादी कर ली, फिर तूने इसके साथ मिलके हमारे खिलाफ जाके अपना घर भी बसा लिया. तेरा तो भरोसा ही नहीं होता. पापा जी, घुमा फिरा के बातें क्यों कर रहे हैं? जो भी कहना है सीधा सीधा कहिए ना. ठीक है पुत्र जी, सीधे सीधे बोलता हूं. इधर देख, देख इसको. इस कुड़ी के लिए तू हमारे खिलाफ गया और तूने शादी की, मैंने कुछ कहा नहीं ना. इस कुड़ी के लिए तूने हम सबसे मुंह मोड़ा, मैंने कुछ कहा नहीं ना. पॉलिटिक्स से हाथ धो लिए, नहीं बोला कुछ. कई बार मेरा अनादर हुआ, मेरी बेइज्जती हुई, मैं कुछ बोला नहीं बोला. मुझे तो लगा था कि तूने शादी कर ली है, नया संसार बसा लिया है तूने. लेकिन मुझे क्या पता था कि तेरा ये नया संसार उजड़ा हुआ है. ओए तेरी मर्दानगी किधर है? तब सुन ले कान खोल के, जो करना है मैं करूंगा. अरविंदर, पक्का खानदान को चिराग की जरूरत है. तेरी वॉटी तो देगी नहीं, और ना ही तेरा ये भाई. ये तो ऐसा शेर है जिसकी पूंछ जो है उसकी टांगों के बीच में है.
पूरा दिन कर ए वट्टी मेरी वट्टी, ये वट्टी मेरी वट्टी, ए वट्टी मेरी वट्टी, यही करता है ये, कुछ नहीं और करता है दिन में। बात करते हैं बड़ी बड़ी, अब जो भी करना मैं करूंगा, तेरे को बहुत फिक्र है ना इसकी, मैं ना इसकी दूसरी शादी करने जा रहा हूं। वचन दिया है मैंने किसी को, और बाप का दिया हुआ वचन बेटा निभाई, ये पक्का खानदान का रिवाज है। हाँ, लेकिन बहुत होशियारी है। मैंने कुछ कहा क्या तुझसे? तेरे को अगर इससे बहुत ज्यादा हमदर्दी है तो तू क्यों नहीं दे देती पक्का खानदान को चिराग? क्यों अरमान सही कह रहा हूँ कि नहीं? हाँ जी। है ना भाई, तू दे दे, हम सब बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन मुझे मालूम है तू ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि ना ये चाहती है और ना ही इसके लिए ये बात मुमकिन है। इसलिए जैसे मैंने कहा है, जो करना है मैं करूंगा। देवी माँ के चरणों में जो चंदन का लेप लगना है ना, वो पक्का खानदान का चिराग ही लगाएगा, ये वचन दिया हुआ है मैंने। और ये कैसे मुमकिन होगा जब अरविंदर की दूसरी शादी होगी? जॉली, मेरे पापा की इंसल्ट की तूने? जिन्होंने आज तक 100-100 बच्चों की क्लास को एक साथ पढ़ा है, तुझे गम के बलून बनाने का शौक है ना? हुआ? किसी ने मेरे बालों में चुंगम लगा दिए। 24 घंटे चुंगम चबाती रहती हो, तभी मैं बोल रहा था थूक के आओ, लेकिन तुमने सुनी नहीं ना मेरी। अब लो, ये मेरी नहीं, किसी ने जानबूझ के किया है मेरे साथ ऐसा। ठीक है अभी रोना बंद करो, देखते हैं क्या कर सकते हैं। आप चुप रहो, पंगे ले रहे हो ना मेरे साथ? देखना, एक एक से बदला लूंगी मैं, याद रखना, छोड़ूंगी नहीं मैं किसी को भी। सब लोग घर के बाहर गए हैं, लेकिन तू मेनू बता क्या हुआ तेरे साथ? मेरे बालों में चुंगम लग गया, ये देखो। किसने किया ये? हाँ बोल, किसने किया? अजूनी भाभी के घर वालों ने। पूछ
पूछो ना रेड जी से, इसलिए भेजा था मैंने वहाँ पे। हाँ मिल गई उनको खुशी, संस्कार सीखने के लिए भेजा था ना मुझे, ये है उनके संस्कार, ये बेशरम लोग। डॉली मैंने उन्हें छोड़ा नहीं है। अजूनी अजूनी जी, मम्मी जी ये देख क्या किया तेरे घर वालों ने इसके साथ। मेरे घर वालों ने? नहीं मम्मी जी, मेरे घर वाले ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ये अच्छा डॉली बता इसे, तेरे साथ ये किसने किया? आपकी प्यारी बहन ने किया ये सब। नहीं मम्मी जी, मेहर ऐसा कुछ नहीं कर सकते। एक शब्द मत निकालना अपने मुंह से, एकदम चुप। बहुत सुनी तुम लोगों की, लेकिन अब नहीं। तेरे घर वालों ने मेरी बेटी के बालों में च्युइंगम चिपकाया ताकि इसके बाल कट जाएं और ये बदसूरत दिखे, लेकिन अब मैं तेरे बाल काट के तुझे बदसूरत बनाऊंगी। चमको कैची लेके आ। चमको तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जा कैची लेके आ। अच्छा तो अब इस लड़की की तरह तेरे भी चर्बी चढ़ गई है। अगर तू अभी कैची लेके नहीं आई ना तो तेरे बाल काट के पूरे शहर में घुमाऊंगी तुझे, समझी? जा। मम्मी जी जरूर कोई गलत फहमी हो गई होगी। चुप रह तू, एकदम चुप। प्लीज मैं एक बार पापा को फोन करके पूछती हूँ। मैंने कहा ना चुप हो जा। चमको ला कैंची दे, ला। अब मैं तेरे बाल काटूंगी। मम्मी जी नहीं, मम्मी नहीं। जैसे डॉली के साथ किया है ना वो मैं तेरे साथ करूंगी। छोड़ दे, एक बार मेरी बात सुनिए। छोड़ दे, कोई गलत फहमी हुई होगी। अरे रुकिए, ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ है, मैं सबकी तरफ से माफी मांगता हूं आप लोगों से। प्लीज ये सब मत करिए। ओए! उसे क्या होगा? हमारी कुड़ी को तो बाल काटने पड़ेंगे ना। अगर तुमने अपनी गलती मान ही ली है ना तो अब तेरी बहन को उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। एक मिनट, आप लोगों को जितना ही सीरियस लग रहा है उतना ही नहीं है। पीनट बटर, इससे बाल धोएंगे तो च्युइंगम निकल जाएगी, बिल्कुल बाल नहीं काटने पड़ेंगे। अरे वाह रे वाह, मतलब पहले तुम लोग आग लगाते हो उसके बाद आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड लेके आते हो और फिर कहते हो देखो हम लोग कितने अच्छे हैं, हमारी कुड़ी के साथ क्या बर्ताव हुआ वो हमने देख लिया, यही संस्कार दिए हैं क्या? अब अपनी गलती पे पर्दा डालने आए हो? और नहीं तो क्या, हम लेके दे दें तेरी बहन को नकली बालों की विग? बहुत सुन लिया तुम लोगों का, लेकिन अब नहीं, आज वही होगा जो मैंने सोचा है। आज तो मैं इसके बाल काटती ही रहूंगी। ओए।
पापा के पप्पी। क्या हो रहा है, बाल की दुकान है? तूने अभी क्या कहा कि मैं जो सोचती हूँ वो करती हूँ? इतनी जमीन पड़ी है हमारी, तेरे इधर मैं खोल देता हूँ दुकान, मिसेस बग्गा हेयर कटिंग सलून। अरे बहुत भीड़ लगेगी अरमन, जब तू खड़ी हो कैसे बाल काटेगी ना सबके ठाए ठाए। आपको तो पता है ना कि अजूनी के घर वालों ने डॉली के बालों का क्या हाल कर दिया है, इसको सजा तो मिलनी चाहिए ना। ओ बेवकूफ, तू किधर थी जब ऊपर वाला अकल बांट रहा था? पीछे की लाइन में खड़ी थी क्या? सोच, इसका और राजवीर का मामला सेट तो है नहीं, तू इसके ऊपर से बाल काट देगी? बाल कटती है, आंख बंद करके सोच लगेगी कैसे? पता चला जी राजवीर और नहीं आ रहा नजदीक। लड़ गया ना हमारा सपना वारिस का। लेकिन पापा ये सब इसकी बहन की वजह से हुआ है। चलो माना कि वो शैतान है, तू कौन सी दूध की धुली हुई है छिछुंदरी कहीं की? अरे हाँ, अरे अरे यार तेरा नाम क्या है? जी भरत। भरत 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 बोरा। ये क्या है, कोई चीज का फॉर्मूला है? जी पीनट बटर, मूंगफली का मक्खन। मूंगफली का मक्खन, अच्छा इससे क्या होगा? जी इससे बाल धोएंगे तो चिंगम निकल जाएगी। बहू इससे ना ये इसके बाल धो दे। एक मिनट, डॉली का एक भी बाल टूटना नहीं चाहिए, चल जा। क्या लगा तुम बच गई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? तुम्हारी बहन ने जो हाल मेरे बालों का किया है ना, छोड़ना नहीं है मैंने उसे। इतना परेशान करूंगी कि तुम उसे देख भी नहीं पाओगी। क्या हो गया, चुप क्यों हो गई? सांप सूंघ गया क्या? डॉली तुम्हें जितने खेल खेलने हैं ना तुम खेल लो, जैसी कोशिश करनी है कर लो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो दूसरों का बुरा सोचते हैं ना उनके साथ ही बुरा होता है। देखा ना तुमने, इतने दिन से कोशिश कर रही हो लेकिन तुम्हारे सारे दाव तुम पे ही उल्टे पड़ रहे हैं। और हाँ डॉली, जैसे तुम्हारे बालों से च्युइंगम साफ हुई है ना, वैसे ही अगर तुम्हारा मन भी साफ हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। याद है ना यहाँ से जाने के पहले मैंने तुमसे वादा किया था, आपकी हर गलती की भरपाई डॉली सूद समेत वसूल करके इस घर में वापस आएगी, ये मेरा वादा है आपसे। अब वो वादा मैं पूरा करूंगी। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ऐसी हालत करूंगी तुम्हारे घर वालों की।